भारत की वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत की वायुसेना में तकनीकी नवाचार और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कमी महसूस की जा रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 2012 में फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद इस डील का पहला विमान 8 अक्टूबर 2019 को वायुसेना दिवस के मौके पर भारत को मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या खासियत है इस विमान में जिसके पीछे भारत इतना उत्सुक है। आइए जानते हैं इस वीडियो में, आइए इस लेख में जानते हैं कि इस विमान की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली है, तकनीकी में बेजोड़ है ये विमान। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि फेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2018 तक इस विमान की 165 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल ए बी सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल इंजन उपलब्ध है। राफेल हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है।